तिहाड़ जेल में आज केजरीवाल से मिलेंगे सीएम मान। पार्टी प्रत्याशियों पर भी हो सकती है चर्चा, संजय सिंह भी होंगे साथ। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। मान के साथ राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी होंगे। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर 1 बजे के करीब मान व संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए वहां के जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी। जेल के नियमों के मुताबिक केजरीवाल को मुलाकात करने वालों का नाम दर्ज कराना होता है। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने वालों में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दोनों बच्चों, आप नेता संदीप पाठक और अपने निजी सचिव का नाम लिखवाया था। अब इस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम शामिल कर लिया गया है। इस मुलाकात के दौरान राज्य में अन्य सीटों पर घोषित होने वाले उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल तिहाड़ जेल संख्या 5 में बंद। ध्यान रहे कि केजरीवाल तिहाड़ जेल संख्या 5 में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और वे अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया संजय सिंह। उधर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में 400 पार के दावे को सिर्फ जुमला बताया है। संजय सिंह ने कहा कि जीतने वाली पार्टी कभी अपने विरोधियों को गिरफ्तार कर जेल में नहीं डालती। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, राजस्थान में भाजपा की सीटें कम होने से प्रधानमंत्री में घबराहट साफ दिख रही है, इसलिए विरोधियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल को भी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। संजय सिंह ने भाजपा पर बोला हमला। संजय सिंह ने फिर दोहराया कि शराब घोटाला नहीं हुआ है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। ये साजिश दिल्ली व पंजाब में आप सरकार को तोड़ने और राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार को खत्म करने के लिए रची गई है। संजय सिंह ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। घाटे में चल रही कंपनी ने भाजपा को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। आगे बोले कि कागजी कंपनियों ने भाजपा को करोड़ों रुपए का चंदा दिया है लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि केजरीवाल को कोर्ट से न्याय मिलेगा और वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।